सो हे गाइस, इस वीडियो के अंदर हमको आज पे अफिलिएट मार्केटिंग की बात नहीं करने वाले। आज मैं आपको एक ऐसा नया तरीका बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आप बहुत अच्छी इनकम को जनरेट कर सकते हो। ठीक है, अब इस बहुत सारे लोगों को अफिलिएट मार्केटिंग पता है, बहुत सारे लोग वहां से अर्निंग कर रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि यहाँ से अर्न नहीं कर पा रहे हैं। तो उनके लिए मैं आपको कुछ और तरीके बताने वाला हूँ जिसके थ्रू वो काफी अच्छे अर्न कर सकते हैं, और मेरे साथ जो लोग कनेक्टेड है वो भी बहुत अच्छे अर्निंग कर पा रहे हैं। ठीक है, तो क्या है तरीका, उसको कहते हैं फ्रीलांसिंग। आपने ये वर्ड बहुत बार सुना होगा, अगर नहीं सुना होगा तो मैं इसका मतलब भी आपको बता देता हूँ। फ्रीलांसिंग का मतलब ये होता है कि आप किसी और के लिए कुछ वर्क करके देते हो और उसके बदले में आप चार्ज कर सकते हो। ठीक है, अब ये कैसे होता है, एग्जाम्पल के लिए मुझे जो है फोटो एडिट करना नहीं आता है, ठीक है, और मुझे अपना फोटो एडिट कराना है, लेकिन अगर आपको आता है तो मैं बोलूंगा आपको कि ये आपके 100 रुपए रहे और आप मुझे एक फोटो अच्छा सा एडिट करके दो। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है कि आप किनसे आप वर्क ले रहे हो। कोई बंदा एक ही फोटो के लिए आपको 100 रुपए भी दे सकता है, एक ही बंदा आपको 10,000 रुपए भी दे सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि आप किनके वर्क के लिए कर रहे हो। अब मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक सिर्फ ये नहीं बताने वाला कि फ्रीलांसिंग क्या होती है, बल्कि आप कैसे प्रैक्टिकली इस चीज को कर सकते हो, यह मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले मेरा नाम है देवल जाधव, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फ्रीलांसिंग क्या होता है ये तो मैंने आपको बता दिया, आप कैसे स्टार्ट करें। स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको कोई ना कोई एक स्किल पहले आनी चाहिए। अगर आपको कुछ आता ही नहीं है और आप किसी को भी जाके बोलोगे कि मैं ये कर सकता हूं, तो आपको काम तो देगा लेकिन आपको आया ही नहीं, तो आप कैसे करोगे, और कोई भी पर्सन आपको क्यों पैसे देगा जब आप उसके लिए काम करके दोगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको स्किल को सीखना पड़ेगा, आपको काम को सीखना पड़ेगा, फिर आप बहुत सारे काम कर सकते हो। जैसे वीडियो एडिटिंग अगर आपको आती है तो वीडियो एडिटिंग आप सीख लो, अगर आती भी है तो बहुत अच्छे तरीके से सीख लो। यूट्यूब पे बड़े बड़े ट्यूटोरियल पड़े हैं, चाहे तो आप कोई कोर्स परचेस कर सकते हो, लेकिन आप जो है कोई भी एक स्किल को पकड़ लो और उसको सीख लो। वो वीडियो एडिटिंग हो सकता है, ग्राफिक डिजाइनिंग हो सकता है, थंबनेल बनाना हो सकता है, कंटेंट राइटिंग हो सकता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। वॉइस आर्टिस्ट हो सके, आप वॉइस किसी के लिए रिकॉर्ड करके दे सकते हो, किसी के लिए आप वीडियो बना के दे सकते हो, किसी के लिए आप कंटेंट लिख के दे सकते हो। तो ऐसे बहुत सारी चीज है, ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आप करके दे सकते हो। किसी के लिए आप रील के जो कवर होते हैं वो बना के दे सकते हो। तो बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, आप कोई भी एक चीज पकड़ लीजिए और उसको कर लीजिए। ठीक है, और भी मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं तो आप यूट्यूब चैनल के बैनर बना सकते हो, यूट्यूब के लोगो बना सकते हो, फेसबुक का किसी का प्रोफाइल बना के दे सकते हो, किसी के चैनल के हाईलाइट क्रिएट करके दे सकते हो, किसी का बायो ऑप्टिमाइज करके दे सकते हो। तो सो मेनी वेज है आप जिसके थ्रू आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। अब एग्जाम्पल के लिए आपने वीडियो एडिटिंग सीख लिया या फिर थंबनेल बनाना सीख लिया, ठीक है, अब दोनों के एग्जाम्पल लेते हैं हम। अब आपको वीडियो एडिटिंग आ गई, अब स्टार्टिंग में आपको कोई वर्क तो देगा नहीं, ठीक है, कोई भी पर्सन आपको वो जानता नहीं है तो वो देगा नहीं, लेकिन अगर आपको इस स्किल के थ्रू 20 से 30 हजार रुपए बड़े आसानी से अर्न करना है तो उसका सिंपल सा तरीका है, आप जिसकी वीडियो एडिट करना चाहते हो उसको सिंपली अप्रोच करो कि सर मैं आपकी वीडियो एडिट करूंगा, या फिर आप जो भी कह सकते हो, तो वो पर्सन आपको रिप्लाई नहीं देगा। ठीक है, देन आपको उनको बोलना है कि मैं आपका एक वीडियो पहले फ्री में एडिट करके देता हूं, अगर आपको अच्छा लगे तो आप मुझे आगे बताइए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। आप उनको एक या दो वीडियो फ्री में एडिट करके दो, क्योंकि एडिट करने में तो आपको पैसे नहीं लगने वाले, थोड़ा टाइम लगेगा और आपकी स्किल और ज्यादा इंप्रूव होगी। तो आपने उनका वीडियो एडिट करके दे दिया, ठीक है, तो उनसे आपने पहले तो फ्री में कर लिया, अब उसके बाद उनका उनको अच्छा लगता है, ठीक है, अगर आप अच्छे तरीके से एडिट करते होंगे तो सबको अच्छा ही लगेगा। अब अगर आप 10 लोगों को सेंड करते हो तो 10 में से 2 लोग तो आपके साथ स्टार्ट करेंगे। अब आप पर वीडियो का ज्यादा नहीं 200 रुपए चार्ज करते हो एक वीडियो एडिटिंग का, ठीक है, सिर्फ 200 रुपए चार्ज करते हो, और दिन के अगर आप 2-3 वीडियो एडिट करते हो स्टार्टिंग में, 3 यूट्यूबर से अगर आप बात करते हो तो, या फिर इंस्टाग्राम की रील की बात करते हो, तो आपने स्टार्टिंग में जो है 3 वीडियो एडिट करना स्टार्ट कर लिया, आपने 600 रुपए पर डे का इनकम करना स्टार्ट कर दिया। अब धीरे धीरे क्या होगा कि लोगों का ट्रस्ट और बढ़ेगा, तो वही लोग किसी को रेफरेंस देंगे। सपोज मैं एक यूट्यूबर हूँ और मैं और भी यूट्यूबर को जानता हूँ, अगर आप में से कोई वीडियो एडिट करता है और सपोज वो मेरा वीडियो एडिट कर देता है, ठीक है, तो मैं और भी बंदों को बताऊंगा कि भाई ये मेरा वीडियो एडिटर है, काफी अच्छी वीडियो एडिटिंग करता है, तो वो बोलेंगे हाँ यार मुझे भी जरूरत है, मुझे भी कॉन्टेक्ट करवा दे। तो ऐसे आपके पास और क्लाइंट्स बढ़ेंगे, आप क्लाइंट्स बढ़ेंगे, आपकी वीडियो एडिटिंग काफी अच्छी है तो आप उनसे और भी पैसे चार्ज कर सकते हो। जैसे 200 रुपए की जगह आप उनसे 300 रुपए चार्ज करना स्टार्ट कर सकते हो। सेम थंबनेल के अंदर भी है, अगर आप थंबनेल बनाना आता है आपको तो आप किसी का थंबनेल बना के उसे चार्ज कर सकते हो। स्टार्टिंग में आप फ्री में बना के दो एक दो, फिर उसके बाद आप 50 रुपए चार्ज करो, फिर 100 रुपए चार्ज करो, फिर 200-300 रुपए चार्ज करो, और लोग 1000-1000 रुपए भी चार्ज करते हैं एक एक थंबनेल बनाने के। ठीक है, तो डिपेंड करता है। तो इस तरीके से आप अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि देखो अभी आप मुझे ज्यादातर पता है कि जो हमारे ऑडियंस है, जो इस चैनल के ऑडियंस है, वो है 18 से 24, 18 से भी कम माने 15 से 24 तक बहुत ज्यादा ऑडियंस है। ठीक है, और उन लोगों को सख्त जरूरत है पैसे की। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आप ये चीज कर सकते हो। अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, एक ही तरीका नहीं है ऑनलाइन पैसे कमाने के, बहुत सारे तरीके ऑनलाइन पैसे कमाने, तो आपको सबसे पहले ना सीखना पड़ेगा, लेकिन 2 से 3 दिन आपको कोई भी एक स्किल को मास्टर करना पड़ेगा।
तो इन्हीं के लिए आप कोर्सेज परचेस कर सकते हो या फिर यूट्यूब से भी फ्री में सीख सकते हो, ठीक है, और अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। मैं अगर एग्जांपल दूं तो जिन्होंने अभी आपने ये वीडियो के ऊपर क्लिक करा था, जिन्होंने ये थंबनेल बनाया है, वो भी फ्रीलांसिंग करते हैं, तो वो भी काफी अच्छा अर्न कर रहे हैं, वो भी एफिलिएट मार्केटिंग भी करते हैं, साथ में ये भी चीज कर रहे हैं, तो वो भी अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं। तो उसी तरीके से आप भी कोई भी एक स्किल पकड़ो, सीखो एंड कमाओ। और मेरा मेन पर्पस यही है आप लोगों को सिखाना कि आप लोग कैसे ऑनलाइन पैसे कमा सकते हो। सो आई होप कि आपको इस वीडियो के अंदर नॉलेज मिली होगी। अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज मिली है और थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले कि सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग ही वे नहीं है पैसे कमाने के, और भी तरीके से हम पैसे कमा सकते हैं। तो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।